एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि सेविकाओं को 3 माह का इंसेंटिव आवंटित कर दिया जाएगा। 3 माह जो आप पोषण ट्रैकर पर कार्य करती हैं उसकी संतुष्टिता जो होती है, जिससे संतुष्ट होकर के भारत सरकार द्वारा आप लोगों को 500 रुपया प्रति माह देने का निर्णय लिया गया था, तो वो बारी बारी से दी जाती है। लेकिन इस बार जो इस साल का आवंटन है वो पहली बार आवंटित हुआ है मार्च 2022 से मई 2022 तक के लिए और प्रति माह 500 रुपये की दर से है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इस पत्र में कहाँ से आया है और कब आया है ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो पत्र संख्या यही है 57-72-16-11-22 को आया है। निदेशक सह राज्य परियोजना निदेशक NNM बिहार ICDS निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। और ये पत्र जो जारी किया गया है वो सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को। पत्र का विषय दर्शा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पोषण अभियान अंतर्गत सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि व्यय हेतु वित्तीय दिशा निर्देश के संबंध में, यानी आवंटन जो आया है उसको कैसे खर्चा करना है उसके बारे में ये दिशा निर्देश दिया गया है। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि पोषण अभियान अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि व्यय संबंधी वित्तीय निर्देश निम्न है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो निर्देश है उसके अनुसार सेविकाओं को मात्र 3 माह का पैसा आया है और प्रति माह 500 रुपये की दर से आप लोगों को इंसेंटिव दी जानी है। यानी कि अब जो अभी आपको इंसेंटिव जो मिलेगी वो मात्र 3 माह की मिलेगी और वो मिलने का बेस जो रहेगा वो रहेगा आपके पोषण ट्रैकर के कार्य दायित्व। देखिए अब यहाँ से पढ़िए, बाल विकास परियोजना कार्यालय को सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि माह मार्च 2022 से मई 2022 प्रति माह की दर से भुगतान करने हेतु आवंटन उपलब्ध कराया गया। सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान भारत सरकार के पत्रांक इतना दिनांक इतना के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 34-78 दिनांक इतना के आलोक में निर्धारित मानकों को पूरा करने पर भुगतान किया जाना है। तो मानक क्या है? मानक पोषण ट्रैकर पर मानक यह है कि आपके द्वारा पोषण ट्रैकर पर ससमय जितने भी डेली ट्रैकिंग के कार्य थे, अनुप्राशन था, गोदबराई था, VHSND था या जो भी वर्क थे, आपको ससमय आपके द्वारा निष्पादित कर दिया गया है उसी के संबंध में ये पैसा दिया जाएगा। यानी कि आपके कार्य की जो पंक्चुअलिटी है, आपने अपने कार्य को ससमय किया है उसी के संवाद उसी के निष्पादन के उपलक्ष्य में इंसेंटिव का भुगतान आपको 500 रुपये की दर से की जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।